हेलो माय ब्यूटीफुल फ्रेंड्स, सॉल्व शाइनिंग लाइफ में आप लोगों का स्वागत है। तो आज की मेरी वीडियो है अबाउट रिव्यू एंड डेमो ऑफ फिट मी फाउंडेशन फ्रॉम न्यूयॉर्क, मेबलिन न्यूयॉर्क। ये देखिए मेरे पास दो बॉटल है फिट मी फाउंडेशन की, इन द शेड वन इज इन 115 एंड 125। ये देखिए आप लोगों को दिख रहा होगा, एंड वन इज इन द शेड आइवरी एंड अनदर इज न्यू बेज। ये देखिए, आई डोंट नो इफ इट्स विजिबल, उल्टा तो नहीं दिख रहा ना आप लोगों को, पता नहीं, आई होप सीधा ही दिखना चाहिए। तो चलिए देखते हैं इसमें एक्चुअली फ्रंट में लिखा क्या। दोनों में इंस्ट्रक्शंस एक ही है, दिस इज़ फिट मी, दिस इज़ न्यू लुक। दैट मीन्स इसे लगाने से हमारा लुक थोड़ा चेंज हो जाएगा, नेचुरली चेंज तो होगा ही। अगर आप फाउंडेशन लगाओ तो थोड़ा सा स्किन टेक्सचर थोड़ा सा इंप्रूव होता है, तो नेचुरली थोड़े से एक न्यू लुक आता ही है। एंड देन ड्यूई एंड स्मूथ, ड्यूई डेफिनेटली, ये फाउंडेशन तो बहुत ड्यूइनेस लाता है, हाइड्रेटेड करता है एंड हमारे स्किन टेक्सचर को बहुत ही स्मूथ कर देता है। या एंड देन इट हैज़ SPF 18 SPF है, तो इट्स गुड, हमारे यूवी रे से एंड सन रे से प्रोटेक्ट करता है। एंड दिस इज़ गुड फॉर नॉर्मल टू ड्राई स्किन, ये दोनों नॉर्मल टू ड्राई स्किन के लिए इज़ गुड। तो या अगर आपकी स्किन इवन ऑयली भी है ना, तभी उसके लिए भी अच्छा है, लेकिन अदरवाइज ऑयली स्किन के लिए भी आता है। अगर आपकी स्किन बहुत ऑयली तो यू गेट फॉर ऑयली स्किन, बट आई थिंक यू नो सिंस हम बहुत दिनों से यूज़ कर रहे हैं एंड मेरी स्किन भी बहुत ऑयली है, तो आई थिंक इट गोज़ वेल विद ऑयली स्किन एज वेल। एंड इसकी ml वेट है 30 ml, दोनों बॉटल की वेट इज़ इन 30 ml। तो नाउ इट इज़ स्मॉल ट्यूब में भी आता है जो 15 ml में आता है, या तो जब आप पहली बार ले रहे हो तो प्रॉब्ली आई थिंक स्मॉल लेना चाहिए, बिकॉज कुछ नया लेते हैं तो फिर थोड़ी सी डाउट रहती है ना। तो आई टेल यू, अगर आप छोटी ट्यूब वाली लेंगे ना तो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू नेक्स्ट टाइम आप ज़रूर बड़ी वाली बॉटल लेंगे। या तो चलिए इसे इसके पीछे देखते हैं क्या है, ये दोनों के पीछे या कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए, बहुत छोटे हैं यू नो, ये हम यहाँ पे भी कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए, दे आर वेरी स्मॉल, तो हम चेक किए थे, तो वॉट एवर सामने जो लिखा हुआ ना, सेम चीज़ बहुत छोटे छोटे में लिखा हुआ, सिमिलर चीज़, एवरीथिंग इज़ सेम। या तो ये है हमारा रिव्यू है, तो चलिए खोल के देखते हैं ये कैसा है। ये ऐसे इस तरह से खोलने से आता है, ओ या एंड देखिए इसमें पंप नहीं है, डायरेक्टली पोर्ट करना होता है। पंप में इजी होता है ना कि आप जस्ट पंप आउट द अमाउंट दैट इज़ नीडेड, लेकिन इसमें आपको निकालने के लिए थोड़ी सी अलर्ट रहना पड़ेगा सो दैट ज़्यादा नहीं लगे। तो कुछ भी हम लगाते हैं अपने चेहरे में, तो सबसे पहले आप चेहरे को वॉश कीजिए, रेगुलर मॉइस्चराइज़र लगा लीजिए, एंड देन उसके बाद अगर आप चाहिए तो ये प्राइम मॉइस्चराइज़र लगाने के बाद 3-4 मिनट रुक जाइए, उसके बाद अगर आप चाहिए तो प्राइमर लगा सकते हैं। तो हम मॉइस्चराइज़र लगा लिए हैं एंड आई थिंक सिंस माय स्किन इज़ वेरी ऑयली, तो बहुत प्राइमर हमेशा लगाने की ज़रूरत नहीं होती, समटाइम्स लगाते हैं, बट अगर आप चाहिए, अगर आपकी स्किन क्वाइट ड्राई है तो आप डेफिनेटली प्राइमर लगाइए। तो हम अपनी चेहरा वॉश करके एलोवेरा जेल लगाए हैं, इट्स ओके। तो चलिए देखते हैं कैसे लगाते हैं, सिंस इसमें पंप नहीं है ना, तो थोड़ी सी केयरफुली इसे पोर आउट करना है, अपने हैंड में ही पोर आउट करते हैं। ये आई थिंक ज़्यादा हो गया, लिटिल बिट मोर, थोड़ी सी अंदर कर लेते हैं, या आई थिंक दिस मच वुड बी एनफ। तो मेरी तो शेड है 115 आइवरी, हर शेड में आती है, हर स्किन टोन के इसमें अवेलेबल है, तो आप अपने स्किन टोन से मैच करके आप ले लीजिए। तो हम अपने स्किन टोन से मैच किए, दिस इज़ 115, या दिस इज़ 115 आइवरी, सो दैट इज़ गुड। एंड इसे अपने फिंगर के साथ यू नो डैब डैब करके चेहरे में लगा लीजिए, क्लीन एंड मॉइस्चराइज्ड, एंड अगर प्राइमर लगाए हैं उसके लगाने के बाद अगेन आपको 2-3 मिनट रुकना होगा, एंड नाउ स्टार्ट अप्लाइंग दिस। ये बहुत ही सिल्की है यू नो, एक तो एक नेचुरल लुमिनस लुक देता है, नेचुरल फुल कवरेज भी है। ये देखिए हम लगा कर दिखाते हैं, और इसकी इफ़ेक्ट इज़ मैटिफाइंग रहता है। थोड़ी सी, एंड जो भी आप चेहरे में लगाए डेफिनेटली नेवर फॉरगेट योर नेक, बिकॉज दिस रीज़न दोनों इक्वल होना चाहिए, नहीं तो फिर डिफरेंस आ जाएगा आँखों के नीचे। और ये बहुत फुल कवरेज देता है यू नो,
तो अगर आपके तो अगर आप इसे आप अच्छे से लगा लीजिएगा तो आई डोंट थिंक सो कि आपको कंसीलर लगाने की ज़रूरत है, क्योंकि ये सिंस ये फुल कवरेज देता है तो कंसीलर लगाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपके आई के नीचे बहुत ज़्यादा डार्क सर्कल है तो डेफिनेटली आप बिल्कुल कंसीलर लगाइए, सिंस फुल कवरेज देता है तो इसे थोड़ी सी आप ज़्यादा लगा सकते हैं। एंड देन लगाने के बाद तब भी देखिए इतनी बची गई। इसके बाद आप चाहिए तो आप ब्रश से इसे ब्लेंड कीजिए या ब्यूटी स्पंज से कीजिए ब्लेंड। तो ब्रश से भी इट्स ओके, लेकिन हम ब्यूटी स्पंज से दिखा रहे हैं क्योंकि ना आई फील कि ब्यूटी स्पंज से ज़्यादा अच्छे से वो ब्लेंड होता है, मिक्स हो जाता है, इवनली स्प्रेड होता है। तो इसे जब भी ब्यूटी स्पंज यूज़ करते हैं तो इसे यूं पानी में ऐसे डिप कर लीजिए, वेट अच्छे से प्रॉपरली इसे वेट कर लीजिए एंड स्क्वीज इट आउट। मेक श्योर कि सारी पानी इसमें से हट जाए एंड योर स्पंज इज़ वेट ओनली, या इस तरह से। एंड आप इसे थोड़ी सी इनिशियली थोड़ी डैब 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 करके इस तरह से लगाइए, मिक्स कीजिए। ये देखिए लगाते ही लग रहा है ना थोड़ी सी स्किन में डिफरेंस, देखिए यहाँ की स्किन एंड यहाँ की स्किन में थोड़ी डिफरेंस लग रहा है। सो थोड़ी सी टाइम लेकर के आप लगाइए। लेकिन हाँ एक चीज़ और है कि ये थोड़ी सी ना ऑक्सीडाइज भी होता है, तो बहुत देर रहने से थोड़ी सी ना शेड थोड़ी सी डार्क हो जाता है, थोड़ी सी ऑक्सीडाइज हो जाता है। तो जब आप दिन के समय इसे लगा रही है ना तो आप थोड़ी सी कम क्वांटिटी में लगाइए, एंड जब रात में है तो ओके फाइन, थोड़ी सी ज़्यादा चलेगा। थोड़ी सी यहाँ है और पूरे चेहरे में अच्छे से लगा लीजिए। ये बहुत ही स्मूथली रन होता है, आप खुद ही अगर आप चाहिए तो आप स्मूथली अपने फिंगर से भी इसे ब्लेंड कर सकते हैं। इट इज़ सो स्मूथ एंड डूई एंड लिक्विडी है। आई कैन नीचे है मिरर, लेट मी जस्ट चेक इट फ्रॉम देयर। ये फाउंडेशन बहुत दिनों से यूज़ कर रहे हैं, आई थिंक रेगुलर आई यूज़ दिस फाउंडेशन वेरी रेगुलरली एंड इट गोज़ वेरी वेल विद ऑल काइंड ऑफ स्किन टाइप्स। अगर आपकी स्किन बहुत ही ऑयली है ना तो या यू कैन गो फॉर, ये ऑयली स्किन के लिए भी आता है तो यू कैन गो फॉर दैट एज वेल। फॉर एंड ऑफ योर फेसेस नेवर टू फॉरगेट। आई थिंक हो गए हैं, खुद फील हो रहा होगा ना कि एक टोन स्किन टेक्सचर बढ़ गई है एंड इट इज़ गिविंग अ न्यू लुक। न्यू लुक लगेगा बिकॉज स्किन टेक्सचर जब चेंज हो जाएगी तो डेफिनेटली न्यू लुक तो लगेगा ही। एंड आप फील कीजिए ये बिल्कुल सॉफ्ट अच्छी एंड हो गई है। नेक में भी अच्छे से मिलाना है बिकॉज नहीं तो दोनों में डिफरेंस आ जाएगा, फेस की स्किन एंड नेक की स्किन, फिर अनइवन लुक लगेगा। डेफिनेटली यू शुड मिक्स इन योर नेक एज वेल। सो ये इस तरह से लगता है। एंड इसके बाद सिंस ये थोड़ी सी मैट फिनिश देता है ना तो इट ड्राइज और बहुत फास्ट ड्राई भी हो जाता है। तो चलिए थोड़ी सी और अपने लुक को फिनिश करते हैं एंड थोड़ी सी आई शेडो एंड ब्लश हाईलाइटर लगा कर दिखाती हूँ। इसके बाद अगर आप इतना कीजिएगा ना तो इट इज़ गोइंग टू गिव अ कम्प्लीट लुक। तो मेरे पास है ये हाइलाइटर, ये आई शेडो है इस तरह से, तो ब्रश है नीचे, तो ये वाली ले रहे हैं अपने स्किन टोन से मैच करके ले रहे हैं, दिस वन दिस ब्राउन वन। तो ये आँख के ऊपर लगाते हैं, काजल थोड़ी सी हम पहले ही लगा लिए थे तो काजल लगाए थे एंड मॉइस्चराइजर लगाए हुए थे तो अभी काजल नहीं लगा रहे, जस्ट अपने स्किन स्किन से मैच करके आई शेडो लगा रहे हैं।
आई शेडो अगर आप अपने स्किन से मैच करके लगाएंगे ना, तो एक बहुत नेचुरल एंड नॉर्मल लुक आएगा, बेटर स्किन टेक्सचर, ड्यूई हाइड्रेटेड ल्यूमिनस स्किन के साथ आपकी आई शेडो अगर आपकी स्किन मैचिंग हो ना, तो ये बहुत ही नेचुरल लुक देता है। अगर आप दिन के समय लगा रही हैं तो या आई थिंक स्किन टोन वाली आई शेडो ऑलवेज बेटर रहते हैं रात में। देन यू कैन मैच अप विथ योर ड्रेसेस एंड आप मैचिंग कर सकते हैं दिन में। यू नो अगर कुछ फाउंडेशन आपने लगाया, स्किन टेक्सचर बहुत ही अच्छी है और इन्हेंस हो गया है, बेटर हो गया, ड्यूई हो गया, तो आई में थोड़ी सी हम लोग लाइट लगा सकते हैं। थोड़ी सी और, एंड सिंस हम स्किन टोन से मैच करके लगा रहे हैं ना, तो थोड़ी सी डार्क चलेगा, या थोड़ी सी डार्क इट्स गोइंग टू लुक, आप लोगों को दिख रहा होगा। या एंड देन अगर थोड़ी सी और शीन लुक चाहिए ना, तो आप इस तरह से आई शेडो आता है अब थोड़ी सी ग्लिटरिंग वाली रहता है, तो आप वो थोड़ी सी वो भी आप लगा सकती हैं। तो मेरे पास है ये, दिस एले गर्ल की है आई शेडो एंड थोड़ी सी ग्लिटरी वाली शीन वाली है, तो लेट मी सी विच वन आई विल टेक। ये देखिए इस तरह से है, तो थोड़ी शीन के लिए आई थिंक आई विल टेक दिस शेड, ये वाली शेड ले रहे हैं। तो आप चाहिए तो ब्रश से भी लगाइए या फिंगर से ही भी आप कर सकते हैं, तो आई एम डूइंग इट विथ ब्रश। थोड़ी सी शीन लुक आ जाएगी आँख के जस्ट यहाँ पे सामने फ्रंट में लगाना है। फ्रंट में और सामने आप थोड़ी सी डार्क लगाइए एंड साइड में थोड़ी सी लाइट आप लगा सकते हैं, साइड में थोड़ी सी हल्की हल्की। आप लोगों को दिख रहा होगा, पता नहीं कैमरे में इफ इट इज विजिबल और नॉट, मिरर में लगाना होगा, कैमरे से नहीं हो पा रहा है। ये आप लोग को दिख रहा होगा, इट इज लुकिंग नाइस। एंड देन थोड़ी सी आप हल्की सी इसमें ब्लशर लगा लीजिए, यू नो तो ओनली आपकी फाउंडेशन लगी हुई है एंड थोड़ी सी आप ब्लश, ये शीन लुक में हमारे स्किन टोन से मैचिंग है एंड थोड़ी सी ब्लशर, यू नो हमारे एलिवेटेड पार्ट, हमारे चेहरे के एलिवेटेड पार्ट में लगाते हैं हल्की सी, ये वेरी लाइट। आज एक्चुअली थोड़ी सी क्लाउडी है, तो आई डोंट नो हम बहुत दिख रहा है या नहीं, एंड डेफिनेटली थोड़ी सी ब्रिज ऑफ योर नोज, ये मिरर में इधर अपने मिरर पे देखते हैं। ये देखिए इट इज लुकिंग गुड एंड थोड़ी सी और कंप्लीट कर ही लेते हैं, इतनी सारी चीज लगाए हैं, तो एक थोड़ी सी यू नो लिपस्टिक लगा लेते हैं जस्ट सो दैट थोड़ी सी कंप्लीट हो जाए मेकअप, नाउ फुल कंप्लीट। मेरी लिपस्टिक भी बहुत लाइट पिंक में है, तो दो शेड करके आई हैव ब्रॉट इट लिटिल, थोड़े से ज़्यादा डार्क कर दिए हैं। एंड आप देखिए
कुछ भी है मेकअप में, ओनली माई स्किन टेक्सचर आप देख सकते हैं, एंड शेड भी बढ़ गए हैं, एंड बहुत अच्छा हो गया, पहले से तो बेटर लग रहा है। एंड जस्ट आई में, आई शेडो में, यू नो, स्किन से मैचिंग आई शेडो एंड थोड़ी सी ग्लिटरिंग वाली आई शेडो लगाएं, सो दैट थोड़ी सी शीन लुक आ जाए। हाईलाइटर ये देखिए, हाईलाइटर को एंड लिपस्टिक किया, तो रियली ये फाउंडेशन इज़ रियली वेरी नाइस, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही यू नो सुटेबल फॉर ऑल काइंड ऑफ स्किन। लेकिन हाँ, एक चीज़ अगेन हम आप लोगों को बताना चाहेंगे कि ये थोड़ी सी ना ऑक्सीडाइज होता है, तो जब भी आप दोपहर में लगा, दिन के समय आप कर रहे हैं ना, तो थोड़ी सी क्वांटिटी थोड़ी सी कम ले लीजिएगा, रात में फिर चलेगा। या यू कैन टेक फुल्ली एंड कंप्लीट कवरेज देता है, आपको कंसीलर लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर अगेन आई एम सेइंग कि अगर आँख के नीचे आपके ज़्यादा ही डार्क सर्कल है तो डेफिनेटली आप कंसीलर लगाइए, अदरवाइज आई टेल यू इसकी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी सिंस ये कंप्लीट कवरेज देता है। तो या तो ये इस तरह से आप लगाइए, एंड दिस इज़ फिट मी फाउंडेशन, बहुत ही आई थिंक इट्स गुड, बिल्कुल आप लोगों को बिल्कुल एक बार ट्राई करना चाहिए। तो अगर आप पहली बार ले रही है ना, तो छोटी वाली ट्यूब में लीजिए, क्योंकि आजकल ट्यूब में भी अवेलेबल है, वो 15 ml का आता है। तो डेफिनेटली आप इस तरह से लगाइए, और आज के वीडियो में बस इतना। तो आई होप आप लोगों को मेरी आज रिव्यू एंड डेमो ऑफ फिट मी फाउंडेशन फ्रॉम मेबेलिन आप लोगों को अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। एंड या डेफिनेटली कोई भी स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, जस्ट आई एम शेयरिंग माई एक्सपीरियंस विथ यू ऑल। या तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब। अपने कमेंट्स बॉक्स अपने कमेंट्स लिखिए मेरे कमेंट बॉक्स में, आप लोगों के कमेंट्स का इंतज़ार रहता है और पढ़ने में बहुत ही अच्छा लगता है। तो आज के लिए बस इतना, आप लोगों से मिलेंगे बहुत जल्दी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, बाय बाय।